गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अंडरलाइन पब्लिक स्कूल क्लास 5th. वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द लेसन नंबर 8 इन इंग्लिश अवर बुक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक आउट पेज नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिस आंसर द फॉलोइंग वी विल डू इन अवर नोटबुक. सो मूव ऑन स्ट्रेटली, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स with words from the box. Here is a box with following words: leg, skull, wrist, skeleton and backbone. You have to choose correct word from these blanks and fill this blanks. Okay, first one: the human dash has four kind of bones. The human skeleton has four kinds of bones. We have long bones such as arm and dash bone. हमारी जो लंबी bones होती है वो कहाँ पे होती है? Arm में, हमारे हाथों में, और leg में, leg bones. We have flat bones such as the skull. Okay. We have short bones such as an ankle and the wrist. Wrist और ankle में सबसे short bones. Next, complete the crossword puzzle with the help of given clues. In this box some clues are given, okay, and you have to answer the following questions and solve this puzzle. So across means from left to right. Left to right is across. Down means from up to down. So pehle hum across ka dekhte hain. Number 2 pe across: a place to take care of sick and hurt people. Ek aisi jagah jahan pe bimar log ko ilaj hota hai. तो नंबर टू पे आएगा हॉस्पिटल, HOSPITAL. नेक्स्ट अक्रॉस: द बोन ऑफ योर हेड, आपके जो हेड है उसकी बोन. नंबर 4 पर तो स्कल, SKULL, स्कल. नंबर 6, अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ सिक एंड हर्ट पीपल, एक ऐसा पर्सन जो बीमार लोगों को ठीक करता है, उनकी देखभाल करता है. कौन है वो? नंबर 6 पे देखते हैं, डॉक्टर, DOCTOR. नंबर 7, अक्रॉस: अ हार्ड कवर टू कीप अ बोन, अ ब्रोकन बोन फ्रॉम मूविंग, एक ऐसा हार्ड कवर जिससे हमारी टूटी हुई हड्डी हिल नहीं सकती. दैट इज 7 नंबर, CAST, कास्ट. ओके, यहाँ कास्ट है. यस, कास्ट है ना, कास्ट. प्लास्टर कास्ट की वजह से जो हमारी ब्रोकन बोन होती है वो नहीं मूव करती. ओके, नाउ डाउन. फर्स्ट नंबर, अ पिक्चर ऑफ योर बोन्स, आपके बोन्स की पिक्चर, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सरे. ओके, नेक्स्ट, ऑल द बोन्स इन द बॉडी, जब सभी बोन्स मिल जाती है बॉडी में तो क्या बनाती है? नंबर 3 देखते हैं. नंबर 3, स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन. द प्लेस वेयर टू बोन्स कम टूगेदर एंड मूव, एक ऐसी जगह जब दो बोन साथ में आके मूव करती है उसे बोलते हैं हम जॉइंट. नंबर 5, JOINT. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैश द वर्ड्स दैट मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग. फर्स्ट वन, जॉय, आपको मैच करना है जिनका मीनिंग सेम है. जॉय, जॉय मीनिंग हैप्पीनेस. द मीनिंग ऑफ द जॉय इज हैप्पीनेस. जॉय, खुशी, हैप्पीनेस. राइट, यू आर राइट. राइट मीन्स करेक्ट, बिल्कुल सही. नंबर 2, करेक्ट. राइट, करेक्ट. वार्न, किसी को वार्निंग देना है ना, कि मत करो, ये करने से प्रॉब्लम हो सकती है. वार्न करना मींस कॉशन, ठीक है, सावधानी बरतो, वार्निंग देना, कॉशन. हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंच जाना या नुकसान पहुंच जाना, तो मतलब इंजर. हार्म, इंजर, इंजरी होना, हार्म होना. पावर, पावर मतलब ताकत. ताकत को हम और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ. पावर, स्ट्रेंथ, पावर, स्ट्रेंथ. डिजाइन, डिजाइन को हम और क्या बोल सकते हैं? प्लान. कितना सुंदर प्लान है, घर का प्लान, घर का डिजाइन. ओके, प्लान, डिजाइन, प्लान. गैदर, गैदर मतलब एक साथ आना, इकट्ठा होना. गैदर, कलेक्ट, गैदर, कलेक्ट, गैदर. मिडिल, मिडिल मतलब बीच वाला. मिडिल, मिडिल को हम बोलेंगे सेंटर. मिडिल, सेंटर. रिमेन, रिमेन मतलब वही रहो, यहाँ हो. रिमेन,
रिमेन्स को हम कहेंगे स्टे, रिमेन स्टे, डेंजरस खतरनाक, जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, डेंजरस अनसेफ, डेंजरस अनसेफ। ओके नेक्स्ट, नोट द वोवल साउंड इन ईच वर्ड, राइट द सिंबल्स टू शो द साउंड। अब देखो अलग अलग साउंड होती है वोवल्स की, ओ डब्ल्यू ओ लाउड साउंड है ना, लाउड, लाउड के अंदर ओ डब्ल्यू की साउंड होती है, आओ लाउड, ठीक है। अब डबल ओ साउंड, कुड कूड, डबल ओ साउंड, थॉट, थॉट में ए डब्ल्यू, थॉट, ओ नहीं आता, थॉट, ए डब्ल्यू साउंड आती है। दो, दो में ओ साउंड, योर, योर में देखो यो, डबल ओ साउंड, कंट्री अ अ कंट्री, तो अ साउंड, यू साउंड, ठीक है। अब इनका साउंड से हमको बताना है इन वर्ड्स में कौन सी साउंड आती है। शुड शुड, डबल ओ साउंड, शोल्डर शोल्डर, शो ओ ओ साउंड, क्लाउड ओ ओ डब्ल्यू साउंड, कजन क अ अ यू साउंड, हाउस ओ यू ओ हाउस ओ डब्ल्यू साउंड, वॉट अगेन ओ डब्ल्यू साउंड, आर ए डब्ल्यू साउंड, आर है ना, और नहीं है, आर ए डब्ल्यू साउंड, फ्लोर ओ साउंड, अबाउट अबाउट ओ डब्ल्यू साउंड, कपल अ यू साउंड, माउस ओ डब्ल्यू साउंड, कफ अ यू साउंड, गुड सॉरी वुड डबल ओ साउंड, कोट कोट ओ साउंड, टूर डबल ओ साउंड, इनफ अ यू साउंड। ओके इन दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्रामर इन यूज, कंप्लीट द सेंटेंस इन द प्लूरल। अब आपको सिंगुलर में कोई सेंटेंस दिया, इसको आपको प्लूरल में चेंज करना है। दिस हाउस इज वेरी बिग, ये एक बहुत बड़ा हाउस है। दीज हाउसेज आर वेरी बिग, ये घर बहुत बड़े है। हाउस का हो जाएगा हाउसेज और प्लूरल में आता है आर, इज नहीं। देर इज अ लवली ट्री इन अवर गार्डन, हमारे गार्डन में बहुत सुंदर ट्री है। अब प्लूरल के लिए देर आर थ्री लवली ट्रीज इन अवर गार्डन। देर इज अ लिटिल माउस बिहाइंड द बॉक्स, देर आर टू लिटिल माइस, माउस का हो जाएगा माइस बिहाइंड द बॉक्स। देर वॉज अ यंग वुमन इन द रूम, देर आर थ्री यंग वुमन, वुमन की स्पेलिंग एम ए एन नहीं एम एम ई एन, प्लूरल है वुमन इन द रूम। देर वॉज अ लिटिल चाइल्ड अंडर द ट्री, देर आर फोर लिटिल चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत से बच्चे, तो फोर है प्लूरल है, फोर लिटिल चिल्ड्रन अंडर द ट्री। फिल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स विद इज एम आर डू डिड विल हैव, इनको यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। डैश यू वॉच टीवी डेली, डैश यू और क्वेश्चन मार्क है सब में है ना, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इज यू वॉच टीवी डेली नहीं आएगा, डू यू वॉच टीवी डेली, क्या तुम टीवी डेली देखते हो, डू यू वॉच टीवी डेली। डैश ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो वॉट ही तो नहीं आएगा, आर ही तो नहीं आएगा, एक की बात हो रही है, तो इज ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। डैश आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ, अब आई है तो हमेशा याद रखना आई के साथ हमेशा एम ही आता है, एम आई या आई एम, क्वेश्चन है तो एम पहले आएगा आई बाद में। एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ, क्या मैं झूठ नहीं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ। डैश यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने वर्क फिनिश कर लिया है, तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। डैश इट बी हॉलीडे टुमारो, अब टुमारो कल की बात हो रही है, टुमारो ठीक है, फ्यूचर टेंस, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, क्या कल छुट्टी है। शी कम हेयर यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात हो रही है, पास्ट टेंस, सो डिड शी कम हेयर यस्टरडे, क्या वो कल आई थी। डैश द गर्ल्स सिंगिंग इन द हॉल, प्लूरल 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 में कभी इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर, आर द गर्ल्स सिंगिंग इन द हॉल, क्या सभी क्या गर्ल्स हॉल में गाना गा रही है। ओके इन दिस वे वी हैव टू डू दिस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स, नीना ब्रेक हर आर्म लास्ट संडे, अब ब्रेक
लास्ट संडे, मतलब जो चला गया संडे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो पास्ट टेंस है, तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रोक। नीना ब्रोक हर आर्म लास्ट संडे। इट डैश व्हेन शी डैश हर रूम। इट हैपन्ड, सब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हैपन का हैपन्ड। इट हैपन्ड व्हेन शी वाज पेंटिंग, जब वो पेंट कर रही थी अपना घर, आप पिक्चर में देख सकते हो। शी फेल ऑफ द स्टूल, फॉल नहीं, फेल, फॉल का पास्ट टेंस फेल। शी फेल ऑफ द स्टूल एंड अगेन पास्ट टेंस ब्रोक हर। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच एक्सरसाइज इज सफिशिएंट फॉर यू, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज। थैंक यू।